मानसून यानी कि बरसात को संक्रामक बीमारियों का कहना गलत नहीं होगा। और ऐसे में नवजात शिशु की अगर देखभाल की बात करें तो उनकी देखभाल करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि बारिश में बच्चे अक्सर बीमार हो जाते हैं क्योंकि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, जिससे उन्हें मौसम के साथ तालमेल बिठाने में समय लगता है। अगर आपके घर में भी कोई नवजात शिशु है तो बारिश के मौसम में खासकर शिशु की देखभाल कैसे करें, बता रहे हैं डॉक्टर ललित मोहन उप्रेती जी। मैं डॉक्टर ललित मोहन उप्रेती। देखिए, इसको मैं दो तरह से डिवाइड करता हूँ। एक तो हमारा जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेके 6 महीने की उम्र तक, जबकि हम उसको बाहर का खाना शुरू कराते हैं वीनिंग पीरियड, तो 6 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चों के लिए दो अलग अलग मैं डिवाइड करूंगा जी। तो पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जन्म के तुरंत बाद जो है वो बच्चे को हमें साफ सुथरे कपड़े पहनाने हैं, धुले हुए कपड़े पहनाने हैं, जरूरी नहीं है कि नए कपड़े हों जी, धुले हुए कपड़े पहनाने हैं जी, और बच्चे को ठंड से बचाना है। ये देखा गया है कि बच्चे जो है वो अक्सर पैदा होने के बाद हाइपोथर्मिया के शिकार हो जाते हैं, उनको उनका बॉडी का टेम्परेचर घट जाता है जी। तो उनको अच्छी तरह से लपेट के रखना है, रुई हो तो रुई में लपेट के रखिए, नहीं तो कपड़े में अच्छी तरह से लपेट के रखना है जी। और कुछ लोग जो है बच्चों को पैदा होते ही गुत्थी वगैरह पिलाने लगते हैं, तो उसको डिस्करेज करते हैं। हम कहते हैं कि बच्चे को पहला जो पिलाया जाए वो माँ का जो गाढ़ा दूध होता है पीले रंग का, पहला दूध किसी को पिलाना चाहिए। 6 महीने तक बच्चा पूरी तरह से माँ के दूध पर ही वो पालन उसका किया जाए तो वो बच्चा स्वस्थ भी रहेगा। बच्चे के स्वास्थ्य के साथ साथ हमको माँ के भी स्वास्थ्य का, माँ के भी खान पान का ध्यान रखना जरूरी है। माँ को पौष्टिक खाना देना जरूरी है, माँ को भी दूध पिलाना जरूरी है। और अगर माँ को हम पौष्टिक खाना देंगे तो माँ को दूध भी ज्यादा होगा, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। तो दूसरा है कि पैदा होने के बाद बच्चे को वैक्सीनेशन कराना जरूरी है उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। तो पैदा होते ही हम उसको बीसीजी, पोलियो और हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन लगाते हैं, पोलियो की ड्रॉप पिलाते हैं, बीसीजी और हेपेटाइटिस बी के उसको टीकाकरण करते हैं जी। बच्चे का वजन नापना जरूरी है। जो बच्चे डेढ़ से 2 किलो या 1.5 किलो से कम वजन के होते हैं वो ज्यादा केयर की उनको जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनमें बीमारी लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और सांस की बीमारी, निमोनिया, गलगोटू, इस तरह की बीमारियां बच्चों में, डायरिया की, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उसका जी वजन नापना जरूरी है ताकि हम उसमें होने वाले कंपन को रोक सकें जी। इसके अलावा जो हम कंप्लीट इम्यूनाइजेशन का चार्ट होता है, जो बच्चों को टीकाकरण होता है, पूरे टीकाकरण का ध्यान हमारी आंगनबाड़ी और एएनएम दीदी की मदद से वो पूरा इम्यूनाइजेशन, जिस तरह से उसका शेड्यूल भारत सरकार ने दिया हुआ है, उसको देना चाहिए। एक खुशखबरी की बात यह है कि 15 अगस्त ये जो आने वाला है 2020 से, इससे पूरे भारतवर्ष में जो रोटा वायरसेज हैं उसके लिए निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी बच्चों को। तो कोई किसी भी बच्चे को इस रोटा वायरस की वैक्सीन से वंचित न होने पाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए जी। मैं समझता हूँ कि जो 1 साल तक के बच्चे हैं उनको जो है हम 1 दिन अगर तोड़ के नहलाएं उनको जी, तो वो मेरे काफी रहेगा। पानी में तो एक तो पानी हल्का गुनगुना होना जरूरी होता है, क्योंकि नहीं तो बच्चे को ठंड लगने के साथ, और दूसरा जिस पानी से हम बच्चे को नहलाते हैं अगर उसमें अगर कोई एंटीसेप्टिक का मात्रा में डालते हैं तो उससे जो बच्चे के शरीर में फोड़े फुंसी होने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि बच्चे का हम वीनिंग पीरियड जो है वो 6 महीने के बाद शुरू करते हैं, तो जो बच्चे को हम खाना खिलाते हैं वैसे तो हमारे यहाँ अन्नप्राशन होता है, अन्नप्राशन के दिन से उसको खिलाना शुरू करते हैं, और इसमें बच्चे को हल्का खाना, क्योंकि बच्चे के दांत तो होते नहीं है, तो उसको जैसे हलवा हो गया, खीर हो गया, खिचड़ी हो गई, दलिया है, केला हो गया,
और साबूदाने की खीर होगी, फलों का रस हो गया, ये चीजें हम उनको बच्चे को देनी चाहिए। कहते हैं कि बड़े के साथ ही नवजात शिशु के लिए तेल की मालिश बहुत ही फायदेमंद होती है। मालिश से जहां बच्चे की हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वहीं बारिश के ठंडक के मौसम में तेल की मालिश से शरीर को गर्माहट महसूस होती है, जिससे उसके बीमार होने का खतरा कम रहता है। सर्दी और गर्मी की तरह बारिश के मौसम में नवजात शिशु के आहार का ख्याल रखना भी बहुत ही जरूरी है। वैसे तो आमतौर पर 6 महीने तक के नवजात शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाते हैं और जिसमें पानी की भरपूर मात्रा होती है, जबकि उससे बड़े बच्चों को पानी पिला सकते हैं। और हमेशा कोशिश करें कि पानी को उबाल कर पिलाएं, क्योंकि बारिश के मौसम में अक्सर पानी के अशुद्ध होने का खतरा बढ़ जाता है। और इसके साथ ही बरसात के मौसम में शिशुओं की साफ सफाई रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नमी के कारण शिशु की नाजुक त्वचा के संक्रमित होने की संभावना ज्यादा होती है और उन्हें सप्ताह में 2 या 3 बार साफ गुनगुने पानी से नहलाकर तौलिये से अच्छी तरह पोंछना चाहिए। खासकर इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी कोई व्यक्ति नवजात शिशु के पास जाएं, तो अपनी सफाई का भी ध्यान रखें। उनके हाथ साफ और सूखे होने चाहिए और गीले हाथों से बच्चे को ना पकड़ें। और ये भी ख्याल रखें कि उन्हें आरामदायक सूती कपड़े पहनाएं, जो कि उन्हें उमस भरे माहौल से सहज महसूस करा सकें। वायरल बुखार बरसात के मौसम में होने वाला संक्रमण बुखार है, और साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें इस मौसम में, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी परिवार के अन्य लोगों को भी सुरक्षित महसूस करवाएंगे। तो रखिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सुनते रहें कुमावाणी, हेमा के साथ नमस्कार।